क्वेश्चंस जो हैं उनको आपने खुद सॉल्व करना है अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ टीचर्स जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं तो क्वेश्चन नंबर वन की तरफ देखें इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन में हर जो पार्ट है उसके फोर ऑप्शंस हैं और आपने जस्ट करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एवरेज इज नोन एज एवरेज को और क्या कहा जाता है एवरेज क्या होती है यह मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज सो एवरेज का जो सेकंड नेम है वो हम लोगों ने मीन भी पढ़ा था सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इसको हमने इन सर्कल कर दिया और उसके बाद द एवरेज ऑफ वन टू थ्री इज कितने नंबर्स हैं थ्री और इसकी एवरेज क्या आएगी इन सब नंबर्स को हमने ऐड करना है वन प्लस टू दैट इज इक्वल टू सिक्स और सिक्स को टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा टू ये आंसर बन गया हमारे पास तो स्टूडेंट्स इसी तरह बाकी के सारे पार्ट्स आपने जो है वो सॉल्व करने हैं और जिसमें टू ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगी सो so, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ क्वेश्चन नंबर टू में क्या है फाइन दूला यूज करें इन सबको आपने प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव के ऊपर आपने डिवाइड कर देना है क्योंकि नंबर ऑफ क्वानिटीज फाइव है और इनको सम करेंगे और फाइव पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर थ्री को भी सॉल्व कर लेना है और फिर क्वेश्चन नंबर फोर जो है हमारे पास डाटा गिवन है इंफॉर्मेशन गिवन है और इसको क्या करना है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड अ वीक एग्जीबिशन ऑफ कैलीग्राफी कोई एग्जीबिशन है कैलीग्राफी की वहां पर नंबर ऑफ पीपल जो है उन्होंने एक हफ्ते में कितने लोगों ने विजिट किया सो so, सैटरडे को कितने लोगों ने विजिट किया एग्जीबिशन पे 300 संडे को कितने लोगों ने विजिट किया 250 मंडे को 350 ट्यूसडे को 420 और वेडनेसडे को 150 ए और थर्सडे को 220. फ्राइडे को 100 इन लोगों ने विजिट किया करना क्या है कंस्ट्रक्ट बार बारग्राफ आपने वर्टिकल बारग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है आप लोगों को मैंने बताया हुआ है मैथडोलॉजी बताई है कि किस तरह आपने बारग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है तो आपने एक्स एक्सेस और जो, जो वर्टिकल एक्सेस और हॉरिजेंटल एक्सेस को ड्रॉ करना है और वर्टिकल बारग्राफ में हमारे पास जो बार्स है, आती हैं वो हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर आती हैं और जो नंबर आते हैं नोमेरिकल डाटा या लेबल जो आता है वो वर्टिकल लाइन के ऊपर आता है या वर्टिकल एक्सेस के ऊपर आता है अब आ जाए क्वेश्चन नंबर फाइव और एक्टिविटी ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है और सॉल्व करने के बाद अपने टीचर को सबमिट कर देना है और सबमिट करने से पहले आप लोगों ने अपने आंसर्स या अपना जो सॉल्यूशन है जो आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सॉल्यूशन मैनुअल के साथ टैली करना है तो अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइजेस अवेलेबल है तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है नेक्स्ट लेसन विद न्यू एस अल्लाह हाफिज